हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द लेसन द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, रिटन बाय जोमो केन्याटा. दिस इज़ रजनी मीठा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज, रावतभाटा. रिटन बाय एन अफ्रीकन ऑथर, एक अफ्रीकन ऑथर के द्वारा, जोमो केन्याटा जिनका नाम है. द स्टोरी जेंटलमैन ऑफ द जंगल इज इन द फॉर्म ऑफ ए फेवल. ये एक स्टोरी है फेवल के रूप में. फेवल क्या होता है? फेवल एनिमल स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स बोलते हैं. ए फेवल इज ए नरेटिव. ये फेवल एक नरेटिव होती है, वर्णनात्मक होती है, विच कैरीज ए मॉरल मीनिंग, जो एक मॉरल मीनिंग को लेकर के चलती है. This story is about the law of self-preservation and the danger of friendship between unequals. ये जो story है वो self-preservation के law के बारे में है, और जो friendship है unequals के बीच में, उसका जो danger है उसके बारे में है. It is also the story of imperial domination of the white races who entered the countries they colonized as friends and took it upon themselves to protect those who were less powerful than them. ये story जो है imperial domination के बारे में, और white races जो अंग्रेजों ने जो dominate किया था बहुत सारे देशों को. Who entered the countries, जो countries में enter किया था जिन्होंने, they colonized, जिनके वो उपनिवेशवाद थे, as friend, वो friend बन करके घुसे थे, and took it upon themselves to protect those, और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था कि वो protect करेंगे उनको, who were less powerful than them, जो उनसे कम powerful है, people who were less adequate, adorned with teeth and claws, thus taking away their freedom. और लोग जो उनके पंजे में फंस चुके थे, उन्होंने उनकी फ्रीडम ले ली. The human man is treated unfairly by the animals of the jungle. इस स्टोरी में जो एक मैन है वो अनफेयरली ट्रीट किया जाता है जंगल के एनिमल्स के द्वारा. Who threw him out of the successive huts he built, और वो उस हट से जो जिसको उसने बनाया है वहाँ से उसको फेंक दिया जाता है. And who cheat him of his rights by their argument about the proper use of space, और उसको चीट करते हैं मैन को उसके राइट से, उसके अधिकारों से, by their argument, उनके आर्ग्यूमेंट से, अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, स्पेस के प्रॉपर यूज के लिए. फाइनली द मैन रियलाइजेज दैट, अंत में जो मैन है वो रियलाइज करता है कि ही कैन गेट आउट ऑफ देयर क्लेचेस बाय देयर ओनली बाय ट्रैपिंग देम थ्रू हिज इंटेलिजेंस, कि वो इस इन एनिमल्स के पंजे से जब भी निकल सकता है जब वो उनको ट्रैप कर लेगा अपनी इंटेलिजेंस से. एंड बाय डिवाइडिंग देम, बाय क्रिएटिंग राइवलरीज बिटवीन देम, और वो अपनी इंटेलिजेंस से इनको डिवाइड कर देगा इन एनिमल्स को, और उनके बीच में ही राइवलरीज क्रिएट कर देगा. दो राइवल क्लेम्स, जैसा कि राइवल क्लेम करते हैं. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तो मोरल जो स्टोरी का मोरल है वो यह है, यू विश टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, यू हैव टू टैप योर ओन रिसोर्सेज, कि यदि आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन ड्रॉ ऑन अदर मोरल्स एज सच एज डिवाइड एंड रूल एंड और ब्रेन्स आर स्ट्रोंगर देन ब्रॉन. तुमने और भी मॉरल्स को ड्रॉ किया होगा, जैसे डिवाइड एंड रूल एंड और ब्रेन्स आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉन.
लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम एन एलिफेंट मेड फ्रेंडशिप विद ए मैन. एक बार एक एलिफेंट ने एक मैन को के साथ फ्रेंडशिप की. वन डे ए हेवी थंडर स्टॉर्म ब्रोक आउट. एक दिन बहुत हेवी बारिश और थंडर स्टॉर्म बारिश के साथ ओले आए. द एलिफेंट वेंट टू हिज फ्रेंड. एलिफेंट अपने फ्रेंड के पास जाता है हु हैड ए लिटिल हट, जिसकी छोटी सी झोंपड़ी है एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के एज पर. एंड सैड, और कहता है उससे, माई डियर गुड मैन, कि मेरे गुड मैन, अच्छे आदमी, विल यू प्लीज़ लेट मी पुट माई ट्रंक इन साइड योर हट टू कीप इट आउट ऑफ दिस टोरेंटियल रेन. क्या तुम मुझे मेरी ट्रंक को तुम्हारी हट में के अंदर रखने दोगे, ताकि ये मेरी जो ट्रंक है इस लगातार बारिश से बच जाए. दस मैन सीइंग व्हाट सिचुएशन हिज फ्रेंड वाज इन. जो मैन है वो देखता है कि उसका फ्रेंड किस सिचुएशन में है. वो रिप्लाई करता है, माय डियर गुड एलिफेंट, बोलता है कि मेरे गुड एलिफेंट, माय हार्ट इज़ वेरी स्मॉल, मेरी हट बहुत छोटी है, बट देर इज़ रूम फॉर योर ट्रंक एंड माई सेल्फ, लेकिन इतनी जगह है कि तुम्हारी ट्रंक आ जाए और मैं खुद आ जाऊँ. प्लीज़ पुट योर ट्रंक इन जेंटली, तो कृपया तुम अपनी ट्रंक को धीरे से हट के अंदर डालो. द एलिफेंट थैंक्ड फॉर हिज फ्रेंड. एलिफेंट ने अपने फ्रेंड को थैंक यू बोला, सेइंग यू हैव डन मी ए गुड डीड, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है. एंड वन डे आई शैल रिटर्न योर काइंडनेस, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी काइंडनेस का रिटर्न करूँगा. बट वॉट फॉलोज एज सून एज द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इन साइड द हट. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही एलिफेंट ने अपने ट्रंक को हट के अंदर डाला, स्लोली ही पुश्ड हिज हेड इनसाइड, धीरे धीरे उसने अपना हेड भी हट के अंदर डाल दिया. एंड फाइनली फ्लंच द मैन आउट इन द रेन, और अंत में उसने आदमी को उसकी हट से बाहर निकल करके फेंक दिया बारिश में. एंड देन ले डाउन कम्फर्टेबली इनसाइड हिज फ्रेंड्स हट, और आराम से उसके फ्रेंड की हट में लेट गया. सेइंग, कहते हुए, माय डियर गुड फ्रेंड, योर स्किन इज हार्डर देन माइन, कि तुम्हारी स्किन बहुत हार्ड है मेरे बजाय. एंड एज देयर इज़ नॉट इनफ रूम फॉर बोथ ऑफ अस, और जैसा कि हट में इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह सकें, यू कैन अफोर्ड टू रिमेन इन द रेन, तो तुम बारिश में रह सकते हो. While I am protecting my delicate skin from the hail storm, और मैं अपनी जो मेरी डेलीकेट मुलायम स्किन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हेल स्टॉर्म से. द मैन सीइंग वॉट हिज फ्रेंड हैज़ डन टू हिम. आदमी ने जब देखा कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ क्या किया है, स्टार्टेड टू ग्रम्बल, तो वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा. द एनिमल्स इन द नियर बाई फॉरेस्ट हर्ड द नॉइज़, और एनिमल्स जो थे, जो आसपास ही थे जंगल में, उन्होंने इस आवाज़ को सुना. एंड केम टू सी वॉट वॉज द मैटर, और देखने के लिए आए कि क्या मामला है, क्यों इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है. ऑल स्टूड अराउंड लिसनिंग द टू द हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन द मैन एंड हिज फ्रेंड द एलिफेंट, और वो सब वहाँ खड़े हो गए और उस आर्ग्यूमेंट को सुन रहे थे जो मैन और उसके फ्रेंड एलिफेंट के बीच में हो रहा था. इन दिस टर्मोइल, इसी बीच में द लॉयन केम अलोंग रोरिंग. लॉयन आता है दहाड़ते हुए. एंड सैड इन ए लाउड वॉइस, और एक तेज आवाज़ में बोलता है, डोंट यू ऑल नो दैट आई एम द किंग ऑफ द जंगल, क्या तुम सब नहीं जानते कि मैं
इस जंगल का किंग हूँ। हाउ डेयर एनी वन डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई किंगडम। कैसे किसी ने साहस किया मेरे किंगडम की पीस को डिस्टर्ब करने का। ऑन हियरिंग दिस द एलिफेंट हु वॉज वन ऑफ द हाई मिनिस्टर्स इन द जंगल किंगडम रिप्लाइड इन ए सूदिंग वॉइस। ये सब सुन करके जो एलिफेंट जो कि हाई मिनिस्टर्स में से एक था जंगल किंगडम में, रिप्लाइड इन ए सूदिंग वॉइस, उसने बहुत ही सूदिंग वॉइस में बोला, साइलेंट वॉइस में बोला एंड सेड, कहा, माय लॉर्ड देर इज़ नो डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इन योर किंगडम, तुम्हारे किंगडम में। आई हैव ओनली बीन हैविंग ए लिटिल डिस्कशन विद माई फ्रेंड। मैं तो केवल मेरे फ्रेंड से एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा था हियर, यहाँ पर, एज टू द पोजिशन ऑफ दिस लिटिल हट, इस लिटिल हट की पोजिशन के बारे में, विच योर लॉर्डशिप सीज मी ऑक्यूपाइंग, जिसे आप देख रहे हैं कि इस पर मेरा अधिकार है। द लॉयन हु वॉन्टेड टू हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन हिज किंगडम रिप्लाइड इन ए नोबल वॉइस। लॉयन जो अपने किंगडम में शांति और एकांत चाहता था, वो धीरे से बोला, सेइंग आई कमांड माय मिनिस्टर्स टू अपॉइंट ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू गो थ्रूली इनटू दिस मैटर एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, कि मैं कमांड करता हूँ मेरे मिनिस्टर्स को वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करें और वो इस मामले की जांच करें और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट पेश करें। ही देन टर्न टू द मैन, फिर वो आदमी की तरफ मुड़ता है एंड सेड, और कहता है, यू हैव डन वेल बाय एस्टैब्लिशिंग फ्रेंडशिप विद माई पीपल, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि तुम मेरे लोगों के साथ तुमने फ्रेंडशिप की, स्पेशली विद द एलिफेंट, एलिफेंट के साथ, हु इज़ वन ऑफ माई ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर्स है में से एक है हमारे स्टेट के। डू नॉट ग्रम्बल एनी मोर, और ज़्यादा मत गुस्सा हो, मत परेशान हो, योर हट इज़ नॉट लॉस्ट टू यू, तुम्हारी हट को तुमसे नहीं खोने देंगे। वेट, इंतज़ार करो अंटिल द सिटिंग ऑफ माई इम्पीरियल कमीशन, मेरे इम्पीरियल जो कमीशन है उसके बैठने तक इंतज़ार करो, एंड देर यू विल बी गिवन द प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टेट योर केस, और तुम्हें भी अवसर दिया जाएगा तुम्हारे केस को रखने का। आई एम श्योर दैट, मुझे पक्का विश्वास है कि यू विल बी प्लीज्ड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन, कि तुम जो कमीशन जो भी खोजबीन करेंगे उसके साथ तुम खुश होंगे। द मैन वॉज वेरी प्लीज्ड बाय दी स्वीट वर्ड्स फ्रॉम द किंग ऑफ द जंगल। जब किंग ऑफ द जंगल ने ये वर्ड्स बोले तो मैन खुश हो गया, एंड इनोसेंटली वेटेड फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, और इनोसेंटली अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करता रहा, इन द बिलीफ दैट, इस विश्वास में कि नेचुरली द हट वुड बी रिटर्न टू हिम, कि उसकी हट उसको वापस लौटा दी जाएगी। तो ये थी स्टोरी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी।